YouTube फैमिली कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे भाई तो ये ना जो मैं आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने पिलो जो गोल्ड वाला पिलो बनाया है मैंने अपने आप से ही तो उसका मैंने यहाँ पे जो कपड़ा आपको दिखा रही थी ना उसका कवर मैंने यहाँ पे सिल दिया है और बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ और बहुत ही ईजी है बनाना सच्ची जो नॉर्मल हमारे पिलो के कवर होते हैं ना उनसे तो बहुत ही आसान लग लगा मुझे मैंने वैसे फर्स्ट टाइम ही बनाया है आपने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा तो मेरे घर में इस तरह का पिलो नहीं था गोल्ड वाला तो मैंने खुद से ही बनाया तो यहाँ देखिए मैंने ना सिर्फ एक ये जो मेरे पास ना मेरे एक ना ब्लाउज मतलब ख़राब हो गई थी तो उसकी लटकन रखी हुई थी मैंने कुछ भी खरीद के नहीं ला, लाई जो मेरे पास घर पे रखा था ना उसी से ही मैंने ये पिलो तैयार किया है और पिछली वीडियो में कमेंट भी आया था जब मैं आपको बोल रही थी कि मैं बनाऊँगी इसका कवर तो इसमें क्या अंदर क्या भरा है मतलब क्या फर है या रुई है तो मैं बता दूँ कॉटन है सिंपल जो रखी हुई थी जो गद्दों में डालते हैं ना वो वाली तो वही उसी से मैंने इसको बनाया है और इसका जो ये कवर है ये भी आज तैयार कर दिया और मैं आपको बताऊं इसका ना मैं वैसे कवर लेने गई थी मैं कि नहीं चल रहे ये जब मैंने बनाया तो अच्छे सा कवर लेके आती हूँ लेकिन ना इसका जो साइज़ है जो नॉर्मल साइज़ होता है ना उसे थोड़ा सा छोटा है तो कवर इसके मिल नहीं रहे थे तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा चलिए जो मेरे पास रखा हुआ है ना कपड़ा उसी से मैं इसको तैयार करती हूँ और सच मानिए अच्छा हुआ मैं नहीं लेके आई पर जो मैंने खुद से बनाया है ना ये मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा फ़ोन में तो पता नहीं क्यों आज जैसे ना मौसम थोड़ा सा अजीब सा हो रखा है तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं बारिश हो रही है आज बहुत ही ज़्यादा तो मतलब इससे इसकी वजह से ना सारे खिड़की दरवाजे बंद किए हुए हैं तो पता नहीं अंधेरे अंधेरे की वजह से थोड़ा सा ना क्लियर नहीं आ रहा इसका कलर नहीं तो डार्क कलर है मैरून जो डार्क कलर होता है ना वो और बहुत ही बड़ी सच्ची सुंदर लगे थे और ये वाली जो लटकन है ना ये मैंने इसमें लगा दी है तो ये मेरा हो गया है पीलो बन के तैयार और सिर्फ ये मैं आपको देखो अभी दिखाती हूँ सिर्फ एक ही सिलाई लगती है ये जो बीच में मतलब दिखा रही हूँ मैं तो बस मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ <laughs> तो ये देखिए ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये भी मैंने खुद से ही बनाए हैं और वही वाली कॉटन जो इसमें डाली है वही इसमें डाल ली थी तो अब ये देखिए आप फाइनल लुक छोटी सी मेहनत जो मैंने की है काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ है आप लोग भी बताना कैसा लगा और मैं अब आपको दिखा देती हूँ बाहर का हाल कि मौसम कितना ठंडा हो रखा है हमारे यहाँ पे वही और अभी ना साढ़े तीन बजे हैं बच्चों को स्कूल से ला तभी मैंने ये काम किया था मौसम ऐसा बारिश वाला हो रखा है ना अगर जो रजाई में या कंबल में बैठ जाते तो नींद आ जाती पक्का लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैंने कि नहीं मुझे बैठना नहीं है मुझे अपना काम करना है तो बस मैं जब आपको यहाँ का बाहर का दिखा रही थी ना तो मुझे एकदम से मेरी नज़र पड़ी पड़ोसियों के कपड़ों पे देखे के वही मतलब ये मुझे लग रहा है कि कल रात से ही पड़े हैं और इनको ध्यान ही नहीं है शायद ये यहाँ पे है नहीं पता नहीं क्या है कि जो इनके सारे कपड़े वही भीग गए पानी में तो अच्छा जी ये तो थी कल तक की वीडियो मतलब एक दिन पहले की अब है अगला दिन यानी एक दिसंबर और आज है मेरे बड़े बेटे यानी अभिनव का बर्थडे तो सुबह का टाइम है स्कूल जाने का तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ मीठा बना के ना भगवान जी को भोग लगाते हैं तो सिंपल सा सूजी और हल बेसन से हलवा बना रही हूँ और बस ये सुबह के टाइम तो यही बनाया था बाकी तो शाम को होएगा जो मैंने इस वीडियो में शेयर भी किया हुआ है बर्थडे पार्टी बच्चों के छोटी सी की थी ज़्यादा कुछ नहीं था भाई लेकिन जो जो किया है आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना आ, करना आप लोग और कैसा लगा जरूर बताना कॉमेंट करके तो बस यहाँ पे ना पानी गरम कर लिया है जो इसमें डालते हैं चीनी वाला जो मतलब पानी गरम करके हलवे में डालते हैं ना वो और थोड़े से इसमें डालते हैं काजू बादाम नहीं बादाम नहीं सॉरी किशमिश और काजू ही डाल लेते और ये यम्मी सा हलवा बन के हो गया है यहाँ पे तैयार तो पहले काना जी को भोग लगवाऊंगी अभिनव के हाथों से ही और साथ में हलवा बनाया था और जो पालक रखी हुई थी था ना तो पालक की यहाँ पे प्यूरी बना के इससे आटा बनाऊँगी और इसी के पराठे दिए थे आज मैंने इनको टिफिन में तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं यहाँ पे आटा पराठे खाने का ना मज़ा सर्दियों में बड़ा अच्छा है भाई है ना सभी के यहाँ पे आजकल गोभी के आलू के पालक के मेथी के मतलब सभी जो सब्ज़ियाँ हैं सबके पराठे जरूर बन रहे होंगे और अपने आप भी अपने बच्चों को टिफ़िन में नए नए वैरायटी के पराठे दे रहे होंगे और पराठे सच में ही अच्छे लगते हैं भाई गर्मी में तो नहीं खाए जाते कभी कभार बना लेते हैं जैसे आलू वगैरह के या पनीर के लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आता जो सर्दी में पराठे खाने का आता है ना तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से पराठे बना देती हूँ और अभी ना और मानो दोनों हो गए हैं तैयार तो पहला जो ये पराठा है ये बना दिया मैंने गाय माता के लिए तो बस यहाँ पे और पता है ठंड इतनी हो रही है कि ना घी बिल्कुल अब जमने लगा है तो मैंने एक तरफ रख दिया घी को पिघलने के लिए और फिर फटाफट -पत से यहाँ पे बना दूँगी पराठे और अभी न वो अभी आ गया है ऊपर से सूर्य भगवान को जल देके और मानो अभी लगा पड़ा है अपना धीरे धीरे अपने कामों में मानो का थोड़ा सा लेट चलता है मानो ही लेट कराता है वैसे हमें नहीं तो अभी तो फटाफट से तैयार होके हो जाता है वही और बस यहाँ पे अभिनव को दे दी है मैंने प्लेट दूध हलवा और पराठा तो कान्हा जी को लगाएगा भोग अभिनव और फिर उसके बाद ये चले जाएंगे अपना स्कूल दोनों भाई मैं छोड़ के आ जाऊँगी अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको शाम के टाइम भाई अभी बजे शाम के छः साढ़े छः और हो रही हूँ यहाँ पे तैयार क्योंकि अब बच्चे का बर्थडे है तो थोड़ा सा तो तैयार होना बनता ही है ना तो बस यहाँ पे सिंपल से एक छोटा सा लगा लूँगी क्लेचर और मैं आपको अभी अपना सूट दिखाऊँगी और मैं बताऊँगी भाई ये सूट पिछले साल का सिला हुआ रखा है और मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना बस जब ये सिला था ना तभी मैंने थोड़ा सा पहन के देखा था कि मतलब सही सिला है कि नहीं अब पता है क्या मुझे इसे पहनने का मन नहीं करता मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ देखो इसके ऊपर ना जो ये चिपकने वाले स्टोन होते हैं ना वो हैं सुंदर तो बहुत लगता है मतलब झील मिल सा लगता है वही सच्ची बताऊँ अगर जो कॉटन के कपड़े पे ये कॉटन के कपड़ा होता ना ये बहुत ही सुंदर लगता है लेकिन जो सनील का होके ना थोड़ा सा मुझे ओवर सा लगता है इसी वजह से भी ना मैंने ये अब तक नहीं पहना था आज फर्स्ट टाइम ही पहन रही हूँ और आपको कैसा लगा जरूर बताना भाई पता नहीं मुझे वो वर्षा लगता है इसलिए मैंने आज तक ये नहीं पहन पाई थी मैं इसको और यहाँ पे खूब सारे बैलून फुला दिए हैं और सिर्फ ना देखो बैलून बैलून फुलाई अभी ना उन्हें मानू के बर्थडे पे कितने अच्छे से डेकोरेशन की थी लेकिन अपने पर बोला है कि नहीं मम्मा बस बैलून फुला लो और कुछ नहीं करते ज़्यादा कुछ और यहाँ पर मंगा दिए खूब सारे बर्गर और पहले मेरा मन होता कि ना मैं छोले भटूरे बनाऊँगी लेकिन अभी ना बोलने लगा मेरा बर्गर खाने का मन है तो फिर मैंने सोचा चलिए जब इसका ही बर्थडे है इसी की पसंद की चीज़ें मंगाते हैं तो यहाँ पे सारे ही बच्चों के लिए मैंने बर्गर ही मंगा लिए कुछ स्पाइसी मंगा लिए हैं अपने आप खाने के लिए मतलब जो बड़े हैं उनके लिए और बच्चों के लिए जो ज़्यादा ही छोटे हैं क्योंकि मैं अभी आपको दिखाती हूँ बहुत छोटे छोटे से भी बच्चे आए थे गली के ही तो उनके लिए मैंने बिल्कुल बिना मिर्च वाला ही मंगाया तो यहाँ पे देखिए है ना कितने छोटे छोटे से <laughs> तो सारे आ गए थे बस यही थे दो चार बच्चे जिनके साथ हमने आज अभिनव की बर्थडे पार्टी आ, सेलिब्रेट की भाई और यहाँ पे जब मैं केक खोल रही थी ना तो भाई सही में ऊपर का जो आ, हिस्सा था ना केक का वो हो गया था बिल्कुल ख़राब पता नहीं कैसे तो कैसे नहीं समझ नहीं आया फिर इसकी जो ऊपर चेरीज वगैरह लगी होती है ना तो वो सारी हट गई थी मैं इसको कर रही थी ठीक और ये कर रहे हैं अब यहाँ पे डांस करने की तैयारी तो बस यहाँ पे मैं इसको ना फोन में इस, वो लगा के ब्लूटूथ ऑन करके दे रही थी तो यहाँ पे ये अभी ना देखो आज किचन में वैसे तो नए सूज हैं तो पता है क्या सूज पहनने का शौक़ चढ़ा हुआ था कह रहे नहीं ममा आज मैं सूज पहनता हूँ तो मैंने किचन में सूज लेके बताया तो बोला कि आज पहली बार ही तो पहने हैं कि इनसे कुछ नहीं होता किचन में सूज ला मैं नहीं पहनने देती भाई ये ऊपर की जितनी भी चेरीज ने सब हट गई थी तो मैंने इसको फिर दोबारा से सेट कर दिया और केक सच्ची भाई लाजवाब था मतलब मुझे केक ना इतना ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन इस केक का तो टेस्ट सच्ची बहुत ही मतलब जहाँ से हम केक लाते हैं ना वो अभिनव मतलब मानो के बर्थडे पे भी वहीं से लेके आए थे तो काफ़ी अच्छे केक बनाते हैं नहीं तो एक बार ना पता नहीं केक खा के किसका बर्थडे था मुझे अभी ठीक से तो याद नहीं है भाई मेरा इतना मन खराब हो गया था बहुत ही ज़्यादा तो उस दिन से ना मेरा केक से मन हट गया था लेकिन कल जब मैंने अभिनव के बर्थडे का केक खाया मतलब अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए कल बोल रही हूँ भाई तो बहुत ही सच में टेस्टी था तो बस यहाँ पे सारे बच्चों को कर दूँगी तिलक और इस तरीके से मैं तिलक जरूर करती हूँ अपने बच्चों के बर्थडे पे सभी को ही जितने भी बच्चे आ जाते हैं तो यहाँ पे है ये मेरी प्यारी सी गुड़िया तो बोली आंटी आप मुझे कैमरे में मत लो तो मैंने कहा कुछ नहीं होता बेटा आ जा तो बस यहाँ पर तिलक कर दिया है सभी को और जो हमारे ये छोटे महाशय जी है ना सच्ची बर्थडे हमारे में से चारों में से किसी का भी हो लेकिन मानो ही मतलब महाशय जी मानो को बोल रही हूँ यही केक कट करता है और आज भी जीत पकड़ के बैठ गया मेरा अभी ना बेटा बहुत सीधा है तो बोलने लगा मम्मा कोई बात नहीं इसको ये कट कर लेने दो तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे ना पते क्या ये जो छोटी सी है इसके साथ थोड़ा सा मस्ती करने लगी थी ना ये डांस कर रही थी क्योंकि गाने चले हुए थे तो और तब तक मैंने पीछे देखा तो इन्होंने देखो क्या हाल कर दिया केक से मेरे ध्यान ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं पीछे और लेकिन फिर मुझे बहुत गुस्सा आया मेरे कि ये क्या गया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता भाई केक खराब करना इस तरीके से पर फिर खैर मान गए थे तो अब मैं यहाँ पे बच्चों को सभी को दे दूंगी केक और साथ में बर्गर अभिनव का बर्थडे ना सर्दियों में आता है इसलिए मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है मानो के जो बर्थडे है ना मानो के बर्थडे पे क्या होता है कि ना गर्मी बहुत होती है उस टाइम गर्मी और वो भी वो जो मॉइस्चर वाली जो गर्मी आती है ना भाई जो मतलब बरसात वाली जो गर्मी होती है वो वाली तीखे वाली तो इसलिए ना उसके बर्थडे पे ना पहनने का ढंग है कुछ और ना ही खाने का सच्ची उसमें तो मतलब ये सोचना पड़ता है कि खाए या ना खाए लेकिन अभिनव का बर्थडे सर्दियों में आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में तो इस तरीके से बस छोटी सी पार्टी की हमने अभिनव के बर्थडे पे बच्चों का खूब बच्चों ने ना खूब एंजॉय किया सबसे ज़्यादा तो अच्छा ये लगता है कि बच्चे खुश हैं भाई और सारे मिलके भाई इतना उधम मचाया हुआ था सच्चे पूछो मत ना मैं यहीं पे यही बोल रही थी कि ना थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लो इसकी बहुत तेज़ आवाज़ में सॉन्ग बजाए हुए थे मेन के पड़ोसी भी मतलब जो नहीं जानते वही अभिनव का बर्थडे है तो वो सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है आज इनके घर में सच्ची मेरे ना कानों में दर्द हो गया था तो यहाँ पर ये मन्नत है तो ये इसने ना फटाफट मेरी हेल्प चलिए आंटी मैं दे देती हूँ आप लगाइए तो चलिए ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो भाई तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय केयर